हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डीएलएड एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट करेंगे, जहाँ पर हम आपका जो है वो जीके के ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आज फिर से हमारे जो हैं वो 50 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड। इन भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। कहां पर हुई है, तो ये कहां पर हुई है, ये पंजाब और हरियाणा, जो है पंजाब हरियाणा में है। ये आपका किस काल में आता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोलते हैं, इसकी शुरुआत आपकी कहां से होती है, इसकी शुरुआत जो है वो आपका सन 1921 में, जब आपका जो है किसकी खोज होती है, जब आपका हड़प्पा की जो है हड़प्पा की खोज होती है, किसके द्वारा की जाती है, दयाराम साहनी के द्वारा आपका की जाती है, वहां से आता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, सन 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा। गुजरात में जो है वो लोथल आप लोगों को सुनाई देता होगा, ऐसी कालीबंगन आप लोगों को जो है वो सुनाई देता होगा। तो इसका जो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आंसर आपका क्या है, ये ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये आपके कहाँ पे हैं, ये पाकिस्तान में है। चलिए हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो हम सभी को पता है भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो आपका कौन सा है, वो आपका गुप्त काल है। और उसी में जो आपका समुद्रगुप्त होता है, जिसका आपको जो है इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति जो है वो मिला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका जो है भारत का नेपोलियन जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी आंसर बिल्कुल जो है वो सही है। और मैं यहां पे चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ जो है वो इन प्रश्नों को आप लोग जो है वो करते रहें। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, ये कब की बात है, ये 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन आपका आया था। उसके बाद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, किस किस को फांसी हुई थी। तो ये आप लोगों ने जो है मेरा रंग दे बसंती चोला जो है ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन लोगों को जो है वो आपका फांसी हुई थी। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ए बी सी, और ये कब का है, ये 1928 का जो है, 1928 का आपका जो है ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो है वो आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ में चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसको कसकर पकड़ लेना है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपका जो है आप बताएंगे। तब तक मैं आपको बता दूं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनने किसका नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था, या फिर क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका आराम हराम है। गांधी जी ने आपका क्या कहा था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था, और गांधी जी ने ही क्या कहा था, गांधी जी ने ही कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसको कसकर पकड़ लेना है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद्र गांधी, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ, निम्न में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था, ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, कहां का क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आपका आता है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आपका आता है, उसके बाद आपका जो है क्या होता है, 1905 में जो है वो क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में अगर हम बात करेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना होती है, उसके बाद सन 1909 में क्या आता है, सन 1909 में जो है आपका क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी। इसको जो है वो क्या कहा जाता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको आपका जो है मार्ले मिंटो सुधार भी जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बाद सन 1919 आता है, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आपका सुधार भी हम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है,
तो यहां पर मैं आपको देखो तीन अनुच्छेद बताता हूं, ठीक है। आप तब तक इसका आंसर आप लिखना चाहो आप करो, इसका मैं आपको बताता हूं। देखो तीन आपके जो है वो आर्टिकल होते हैं, एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360, ठीक है। तो जो इमरजेंसी वाला है वो आपका कौन सा है, वो आपातकाल आपका क्या है 352, आपातकाल से संबंधित जो है वो 352 है। 356 वो आपका प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो आपका राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ये जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। प्रेजेंट रूल बहुत बार लगता रहता है, ठीक है। जो 352 वाला है ये कितने टाइम लगा है, 3 times लगा है, ठीक है। क्वेश्चन इस बार आ सकता है क्योंकि संसद में जो है इसके बारे में अभी बात की गई, जो नया संसद सत्र आपका लगा था, तो 3 times में अगर हम यहां पे बात करेंगे, एक तो जब चाइना का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ था, और 1975 में जो है वो आंतरिक अशांति की वजह से जो है वो आपका लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो है। तो इसमें जो है संसद के समक्ष जो है वो 1 महीने के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहां पर आप जो है एमसीक्यू साथ साथ में इस तरीके से पढ़ते चले कि आपको जो उससे रिलेटेड टॉपिक है वो टॉपिक भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इस बार चुनाव आपके हुए थे, लोकसभा चुनाव आपके हुए थे उत्तराखंड में, फिर से आपका जो है पंचायत चुनाव, नगर निगम के आपके जो है नगर निकायों के जो है वो चुनाव होने हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो पंचायत चुनाव होने हैं वो कौन करवाता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग आपका करवाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे अलग है स्टैटिक, बट हम सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय जो है वो नवंबर के महीने में राष्ट्रपति के चुनाव होने में, इस समय आपके कौन है वहां पे, इस समय जो बाइडेन है, लेकिन जो चुनाव आपका होना है वहां पे केवल 2 parties हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो वहां पे 2 जो आपके उम्मीदवार हैं, एक आपके ट्रंप हैं और दूसरे आपका कौन है, दूसरी आपकी कमला हैरिस है। तो वहां पर जो चुनाव आपके होते हैं वो कितने में होते हैं, हर 4 साल में होते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें लोकसभा का या विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, अगर बहुमत बना रहा तो 5 साल तक सरकार चलेगी, बहुमत हट गया तो सरकार आपका पहले भी जो है वो गिर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का जो है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। हमको देखिए उपराष्ट्रपति पता है, बहुत बार पूछाता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो आपका कौन होता है, वो आपका उपराष्ट्रपति महोदय जो है, उपराष्ट्रपति महोदय आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है जो सी का जो है वो सॉरी आपका 9 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अब एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस के क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। देखिए सबसे अधिक तो आपका जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद जो है वो आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, लगभग 78%, ऑक्सीजन कितना है लगभग ये अप्रॉक्स है 21%, लेकिन आपसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 ये कितना है 0.03, तो 10 का क्या हो गया, 10 का जो है वो आपका ए आंसर जो है वो ए आंसर आपका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम, भैया नवीनतम क्या है इसमें सोचना भी नहीं है, नवीनतम आपका क्या है, नवीनतम आपका हिमालय है। सबसे पुरानी की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो कौन सी है, वो अरावली पर्वतमाला है, कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 का देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप पढ़िएगा, विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर कॉज्ड बाय, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12,
ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपका ज्योग्राफी वाला जो है, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 का आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अभी जो है वो क्या रखा गया है, नया नाम रखने की घोषणा हुई है। क्या हुई है, नया नाम रखने की जो है, नया नाम रखने की घोषणा हुई है। ये आपका है कहां पे, ये दक्षिणी अंडमान में है, लेकिन इस बार इसका क्या नाम रख रहे हैं, श्री विजयपुरम। जो आपकी मोदी सरकार है उसने इसका नाम क्या रख दिया है, इसका नाम जो है श्री विजयपुरम रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, आप इसको जो है वो याद कर लेंगे। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान, अंडमान निकोबार जो है वहां पर आपका है। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से जो सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका गुरु शिखर है, क्या है, गुरु शिखर को किस नाम से, जहां हमारा गुरु शिखर कहां पर है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में है। कहां पर है, अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 14 का जो है वो सी आंसर सही है। 15 पे चलते हैं, ठीक है। 15 में देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका भारतीय तटों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, भारतीय तटों से। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, आप इसका आंसर बताना, इस तरीके से आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है, जैसे यहाँ पे तो आपका कोंकण है, ठीक है, कांडला तट आपका हो गया, मालाबार तट है, कोरोमंडल आपका तट है, उत्तरी सरकार आपका तट है, तो वहां से आपको जो है ये क्वेश्चन याद करना है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी है, महाराष्ट्र। और ये तट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो केरल वाला है वो मालाबार तट आपका है, बहुत सारे आपके जो है वो तट ये है, ये समुद्र है, इधर आपका है, इधर आपका क्या है, इधर आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है, इधर आपकी क्या है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, क्या है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे हमारा क्या है, ऐसे श्रीलंका है, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा जो है वो हिंद महासागर है, क्या है, यहाँ पे जो है वो आपका हिंद महासागर है। तो ये आपको याद करना है, ये इधर गुजरात आपका हो गया, ठीक है, ये इधर पूरा का पूरा आप लोगों को जो है ये पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। आप देखिए किसका क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। आप सभी को पता है तीन प्रकार के जो है वो, तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और आपका तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो रॉ से, कृषि से आपका जो है वो रिलेटेड है। द्वितीय क्षेत्र जहां पे इंडस्ट्री की बात की जाती है, विनिर्माण की बात की जाती है, जहां पर हम बात करेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मेटेरियल से एक आपका नया प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, तो वो किसमें आता है, वो आपका सेकेंडरी में आता है। ये किसमें आता है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, टर्सरी में आपका जो है सेवाओं से रिलेटेड है, जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री, वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। डॉक्टर, वो आपका सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 16 का जो है, 16 का बी आंसर बिल्कुल जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन को जो है एक बार आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है इसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका क्या कहता है कि भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका जो है वो सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 आप लोगों को देखना है, कौन सा आपको बताना है सही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार आप पॉज करके जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। एक मतदाता के लिए अधिकतम आयु तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यानी एक और दो जो हैं वो आपके गलत हैं, जो तीसरा है वो बिल्कुल आपका सही है। तो क्वेश्चन जब लंबा हो तो आप घबराएं नहीं, एक बार उसको पढ़ें, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि टाइम आपसे जो है, टाइम आपसे मैनेज हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप सभी को बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब का, 1885 में, किसके द्वारा,
एओ ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, कहां पर आपकी जो है इसकी वो हुई थी, वो हुई थी आपकी बॉम्बे में, जो पहली बैठक आपकी हुई थी वो पहली बैठक आपकी कहां पे हुई थी, पहली बैठक जो है वो आपका बॉम्बे में हुई थी। तो उसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो शामिल आपके नहीं हो पाए थे, बाकी तीन फिरोज शाह मेहता, एओ ह्यूम, राणा डे जो है ये वहां पर आपका शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये फिर से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप जो टाइम स्लैब आप देख रहे होंगे 5, 12, 18, 28% तो मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा आपका 88%, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म भी अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, इसको आप जो है याद करेंगे, जीएसटी कब से आपका जो लागू है ये भी आप जो है ये आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। पिछली बार इसी तरीके का क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया था कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की या प्रायरी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो वही नदी जो है वो कहां पे आपका गिरती है, वो आपका गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी साबरमती की बात करें, नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, वो आपका कहां पे बहती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना इस तरीके का मैप ये, ठीक है। तो इधर आपका अरब सागर, इधर आपका वे ऑफ बंगाल, मैक्सिमम जो नदियां हैं वो आपका कहां पे गिरती हैं, वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उसमें गोदावरी आपकी एक है। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है लोगों को बहुत टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड पे तो कोई याद करके जाता नहीं है। तो आपसे पूछा गया है 1899 से 1905 तक, अब 1905 में आपकी एक घटना हुई थी, 1905 में आपका क्या हुआ था, 1905 में आपका जो है वो बंगाल विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, वो किसके काल में हुआ था, वो आपका करजन के काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था, करजन। तो यहीं से आप सीधा दिमाग लगा सकते हैं कि 1905 में अगर करजन के काल में है तो 1905 में आपका वॉइसरॉय कौन था, तो वो आपका लॉर्ड करजन है। हालांकि जो ये है 1911 में फिर से जो है वो आपका एकीकरण जो है वो एकीकरण आपका हो गया था, वो हम नहीं देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, लॉर्ड करजन जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इजी क्वेश्चन है भैया, कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, महिला स्पीकर कौन है, वो आपका मीरा कुमार है, कौन है, मीरा कुमार, अभी आपके कौन है, अभी जो है वो आपके ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष किस, लोकसभा स्पीकर किसको अपना इस्तीफा सौंपता है, जो डिप्टी स्पीकर होता है, अध्यक्ष किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जब टाई होता है तो टाई होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका वोट डालता है, धन विधेयक है ये कौन बताता है, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष बताता है, दोनों सदन चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो इनका जो है संयुक्त अधिवेशन अगर होगा तो उसका जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ही आपका करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। देखो चेयरमैन तो जो पदेन प्रधानमंत्री होता है वही आपका है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसने जो है योजना आयोग को रिप्लेस करा था सन 2015 में, तो तब से तो आपके नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो इसके जो प्रथम आपके उपाध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, वो आपका अरविंद पनघड़िया है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे, 23 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे, 24, ठीक है। आपदा प्रबंधन एक्ट ये कब बनाया गया था, 2005 में, लागू कब से हुआ था, लागू 2006 से हुआ था, ठीक है। यहीं पे आपको उत्तराखंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन मॉडल है वो कहां से लिया गया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कहां से लिया है, वो हमने आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और यहीं पे 2005 में एक चीज और हुई थी, कौन सा अधिकार लगा था, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, वो भी आप यहां पे इससे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, ठीक है, और अभी भी यहाँ पे हमारे पूरे 25 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं, तो इस पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको आप देखेंगे, स्टेपीज जो है वो आपका कहाँ पे है, वो रसिया में है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है,
ठीक है, ये कहाँ पे है, इधर है और ये आपका इधर है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या चलता है, क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया जी, कंप्यूटर वर्चुअल कीबोर्ड आर प्रोटेक्ट, वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट, वर्चुअल कीबोर्ड जो है हमको किससे बचाता है, पासवर्ड चोरी से बचाता है, ट्रोजन प्रोग्राम से ही बचाता है, स्पाइवेयर से ही बचाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहेगा, इजी क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश जो है वो आपका क्या है, ब्राजील है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पी बाबा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी और अंतरिक्ष, तो ये आपका क्या है, ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा, क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 29। ओके, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, ठीक है, गिद्ध वल्चर्स, ठीक है, ये मरे हुए जीव जंतुओं को आपका खाते हैं, तो जानवरों को जो है वो जब दर्द निवारक दवा आपकी दी जाती है तो उसके केमिकल की वजह से गिद्ध जो है वो मरने लगे, क्योंकि वही तो उनको खा रहे हैं, मरे हुए जीवों को, तो वो जब मरने लगे तो यहां से इसका जो है वो जानवरों का, जानवरों को दर्द निवारक जो है वो दवाई देने की वजह से गिद्धों में जो है वो आपका क्या हो चुकी है, वो आपका कमी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है कि आपका जो है बॉटलिज्म जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके जो है ये साइंस जो है, साइंस के आपके क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो गया, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में प्रसार, प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है, तो ये आपका क्या है, धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो है वो आपका जो है जो लाइट है उसका डिफ्यूजन आपका होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भैया पलायन वेग क्या है, मैं अगर इस पेन को ऊपर को फेंकूं तो ये वापस कहां जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसी पेन को पलायन वेग से ऊपर फेंकूं, किस वेग से फेंकूं, पलायन वेग से ऊपर फेंकूं, तो ये पृथ्वी का जो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे ये क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो मेरे को कितने से ऊपर फेंकना है, मेरे को फेंकना है भैया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो है 30, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का ए आंसर है, ये आपका क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने से मेरे को ऊपर को भेजना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका जो है वो पलायन वेग जो है, पलायन वेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम क्या पे, क्वेश्चन नंबर 33, FRI, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, FRI का जो है वो FRI कहाँ है, FRI जो है वो आपका देहरादून में है, कहाँ पे है, देहरादून में है, और इसकी स्थापना जो है सन 1906 में की गई है, कहाँ पे की गई, सन 1906 में की गई है। अगला क्वेश्चन 34, इसको आप याद करेंगे, प्राथमिक रंग, सभी रंग जो हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर में देख रहे हैं, इसी से बने हुए देख रहे हैं, RGB से याद करेंगे, ठीक है, RGB से याद करेंगे, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, RGB, ऑप्शन नंबर बी 34 का क्या हो गया, 34 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, 34 का क्या है, 34 का बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन बम, ठीक है भैया, आपके पास नाभिकीय में दो तरीके की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर जो है, नाभिकीय विखंडन पे आपका आता है, न्यूक्लियर फिजन पे आता है, बट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है वो आपका किस पर आधारित है, वो नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन जो है जैसे सूर्य में आपकी होती है, सूर्य में भी आपकी जो है वो नाभिकीय संलयन होती है, यानी 1H2+1H2 इज इक्वल टू 2He4 प्लस एनर्जी, ये हीलियम बन जाता है, तो जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, मार्स गैस,
मार्स गैस का मुख्य जो है वो आपका कौन है, मीथेन। मीथेन यानी क्या है, मीथेन यानी CH4, जो प्राकृतिक गैस आपकी होती है वहां पर आपका जो है वो मीथेन है। हमारे घरों में जो LPG आती है वहां पर आपका क्या है, वहां पर आपका ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कहता है भैया, निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं शरीर का क्या कहलाती हैं, शरीर का सैनिक कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखेंगे RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सभी होती हैं। तो जो WBC है उसको क्या बोला जाता है, शरीर की सैनिक, यानी जब भी कोई बीमारी होती है तो उससे कौन लड़ता है, उससे आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी जो आपका श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो लड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे, ठीक है। 38 क्या कहेगा क्वेश्चन नंबर, ओस किससे बनती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार जब आप होते हैं गाड़ी में, आप बैठे रहते हैं तो उसमें जो है वो ओस आपका जम जाती है, रात के टाइम पे जो है ओस जम जाती है, तो वो किस वजह से होता है, तो वो होता है जब ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से, ठीक है, कंडेंसेशन से। ठीक है, आप लोगों ने तीन स्टेट जो है वो पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ को जाएंगे तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना। लिक्विड से इधर को जाएंगे तो इसको इवेपोरेशन या ना वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब गैस से आपका लिक्विड बने तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम आपका क्या बोलते हैं, इसको हम संघनन बोलते हैं, यानी कंडेंसेशन आपका बोलते हैं, ठीक है। और जब लिक्विड से हम इधर को चलें तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना बोलते हैं। लेकिन एक सीधा सॉलिड से कहां चला जाता है, सॉलिड से सीधा गैस में, जैसे कपूर होता है सब्लिमेशन, और गैस से सीधा सॉलिड में वो डीसब्लिमेशन, ठीक है। तो यहां पर इसका कंडेंसेशन जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 39। अब जो है वो आपके उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है वो आपके यहां पे शुरू हो गए। तो यहां पे आप देखिएगा जो आपके चार धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये आपका कहां कहां पर है। तो इसका अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे तो 39 का जो है वो आपका क्या है, 39 का सी आंसर बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चार धाम यात्रा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गढ़केसरी के नाम से कौन आपका प्रसिद्ध व्यक्ति था, गढ़केसरी के नाम से आपके कौन है, गढ़केसरी के नाम से आपका जो है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कुमाऊं केसरी कौन है, बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था, तो ये आपका कौन है, ये आपका कमिश्नर रैमजे हैं, ठीक है। रैमजे साहब भी कहते हैं कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको जो है कहा जाता है। 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय उत्तराखंड के कमिश्नर आपके कौन थे, वो यही आपके रैमजे थे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक आपके कौन है, डीडी पंत जी हैं, डॉक्टर देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए इसमें इतना समझाने के लिए है नहीं, 43 पे चलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है वो कर दिया गया, क्योंकि आप क्या याद करके गए हैं, आप याद करके गए हैं कि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, वो चमोली में जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है वो सबसे ऊंची है, ये पहले नंबर पे है। बट नंदा देवी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आपकी कामेट है। क्या है, कामेट है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसकी जो है हाइट भी जो है, इन दोनों की हाइट भी जो है आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आने बाकी हैं। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया, तो यह किया गया है कस्तूरी मृग के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, कस्तूरी मृग, मस्क डियर के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 19, अच्छा अब ये जरा करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वहां से हमने पढ़ लिया, आप करेंगे तो बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश में भी सन 1971 की बात की गई है भाई, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा जो बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री हैं वो भारतवर्ष में हैं,
ठीक है। और यहां पर जो है मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो उनके पिताजी ने किया था, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को आज हम क्या कह रहे हैं, आज बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीतने वाली जो ईगा स्विटेक है वो किस देश की खिलाड़ी है, तो वो आपका कहाँ की है, वो आपका पोलैंड की है। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे, डीएलएड के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा यहाँ से खेल से आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओलंपिक के ऊपर भी आप क्वेश्चन जो है पढ़ लेंगे, जिसको हमने पिछली बार आपका देखा था। क्वेश्चन नंबर है 47, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की आपकी क्या रैंक थी, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 176, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 48, ठीक है, 48 कहता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है, परमाणु बम के ऊपर है, ओपनहाइमर, क्या है, ऑप्शन नंबर बी ओपनहाइमर को जो है वो आपका बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला था। एक बार आप देखेंगे ट्रिपल आर के RRR मूवी के ऊपर भी क्वेश्चन आपका पिछली बार शायद आया था, ठीक है। क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन 49 क्या कहता है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ ये किसने शुरू किया है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, किसने शुरू किया है, नरेंद्र मोदी ने। 2047 में हमको आजाद हुए कितने साल हो जाएंगे, हमको 100 साल आपके हो जाएंगे। चलिए साहब आज का जो है अंतिम प्रश्न हम करते हैं, तो अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पुराने जो ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो मे भी आपका आ जाएगा, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, 50 का सी आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब आप लोग अगर और भी ऐसे ही मॉक टेस्ट देना चाहें, चाहे आप ऑनलाइन मोड में जो है ऑनलाइन मोड में आप दीजिएगा, या ऑफलाइन मोड जिसमें भी आपको देने हैं आप यहां पे दे सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन देना है तो आप हमारी जो ऐप है वेदश्री क्लासेस ऐप, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन देना है तो आप जो है वो कहां आ सकते हैं, हल्द्वानी में आ सकते हैं, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतना ही, और आपके अभी तक कितने नंबर आए आप ये भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।